गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारी वीडियोस देख रहे हैं ध्यान से, सभी पेपर्स के, सभी सब्जेक्ट के। स्पेशली मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है पिछले कॉन्सेप्ट में भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपना कंटेंट को प्रेजेंट करूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडोलसेंस। लास्ट क्लासेस में हमने किया था चाइल्डहुड, ठीक है, इन्फेंसी हम कर चुके हैं क्योंकि हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है? देखिए, किशोरावस्था क्या होती है, इसका एज ग्रुप होता है 13 to 18, एक जेन्युइन जो एज ग्रुप माना जाता है, टीन एज जिसको हम कहते हैं। जैसे मैंने लास्ट भी आपको थोड़ा सा जब इसकी स्टेजेस बताई थी तो बताया था कि ये बहुत ज्यादा एक मुश्किल स्टेज, मुश्किल अवस्था इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? इस उम्र में होने वाले बहुत तेजी से सांवेगिक और शारीरिक परिवर्तनों के कारण, जिनको कि एडोलसेंट या टीनेजर समझ नहीं पाते हैं या पूरी तरह वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ पर्सन्स लाइफ बिटवीन बीइंग अ चाइल्ड एंड बिकमिंग एन एडल्ट, ठीक है। यानी जो एडोलसेंस होती है वो किसी भी व्यक्ति की लाइफ का, एक बच्चे से लेकर एक एडल्ट बनने के बीच का जो पीरियड है वो माना जाता है। बिटवीन द एज ऑफ अबाउट 13 to 18, यानी 13 और 18 एज ग्रुप के लिए जो हम बात करते हैं वो माना जाता है, जो इसका एज ग्रुप है या टाइम पीरियड है। इट इज कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ रैपिड फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस इन चिल्ड्रन। ये जीवन का मुश्किल वक्त कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन हैं बहुत तेजी से होते हैं और सांवेगिक संवेगों में, ठीक है, संवेगों में या मनोभावों में परिवर्तन बच्चे का बहुत तेजी से होता है। इस वजह से इसको मुश्किल स्टेज कहा जाता है, मुश्किल पीरियड कहा जाता है लाइफ का। किल पैट्रिक ने कहा है इसको, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, क्योंकि बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम वो फेस करते हैं इस वजह से, और वो कई बार अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स से या फैमिली मेंबर से। तो वहां पर इन चेंजेस को ना समझ पाना और शेयर भी ना कर पाना वो उनके लिए बहुत मुश्किल भरा हो जाता है, इसलिए इसको डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। मोस्टली टीनेजर्स आर नॉट प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस, सो प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स आर एसेंशियल ऑफ दिस स्टेज। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता और टीचर्स की जो प्रॉपर जो सपोर्ट होनी चाहिए और गाइडेंस होनी चाहिए वो इस उम्र में बहुत जरूरी होती है। अगर वो है तो बच्चा इस उम्र के इस पड़ाव को आसानी से पार कर लेता है। स्टेनले हॉल हुए हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने एडोलसेंस पे स्पेशली बहुत रिसर्च किया है, स्टडी की है, कई बुक लिखी है। एक बुक उन्होंने लिखी है एडोलसेंस, जिसका नाम है किशोरावस्था। उसी में से उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने तो बहुत ज्यादा इस स्टेज को कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी उपादानों से, आर्टिकल से इसको बताया है कि हमें देखकर ये लगता है कि अरे ये तो बड़ी खतरनाक सी स्टेज है। तो स्टेनले हॉल की हम डेफिनेशन बताते हैं आपको। स्टेनले हॉल कहते हैं, इट इज द स्टेज ऑफ वेरी प्रेशर, स्ट्रगल, टेंशन एंड स्ट्रॉम, कि बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, इतना कहा है उन्होंने। क्योंकि किशोर अपने आप में संघर्ष करते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें उनके मन में होती हैं, क्यूरियोसिटी होती है, इन चेंजेस को ना समझ पाने के कारण क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इनको दबाव, तनाव, तूफानों की अवस्था कहा है। आप कहीं भी एडोलसेंस को पढ़ते हैं तो स्टेनले हॉल की डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगी। ये बहुत पॉपुलर डेफिनेशन स्टेनले हॉल की मानी जाती है क्योंकि उनको किशोरावस्था से जुड़े मनोवैज्ञानिक या विद्वान ही कहा जाता है। अब इसकी कुछ सिम्टम्स और फीचर्स की बात करते हैं हम, कि क्या क्या फीचर और सिम्टम्स देखने को मिलती है। देखिए, जैसे हमने बात की, इसमें ना तो बच्चा बच्चा रहता ना बड़ाई हो जाता है, चाइल्डहुड के एंड की और एडल्टहुड के बीच की। बचपन जहां पर बाल्यावस्था खत्म होती है और प्रौढ़ावस्था शुरू होती है, वो पीरियड होता है, तो इसमें बच्चा बच्चा नहीं रहता। मीन्स ना तो वो ये सोचता है कि मैं बच्चा नहीं हूं, लेकिन परिपक्वता आती नहीं है, खुद को बड़ा समझता है लेकिन बड़ा एक्चुअल हुआ नहीं होता है। तो उसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि पेरेंट्स की बात को न मानना, मैं बड़ा हो गया, कोई टोकता है, कोई कुछ चीज के लिए रोकता है तो उसको बुरा लगता है कि मुझे क्यों कह रहे हैं ये, मैं तो बड़ा हो गया हूं, अब मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम का सही यूज करने लायक वो मैच्योरिटी उसमें डेवलप नहीं हुई है। तो हम इसकी कुछ सिम्टम्स और फीचर्स की बात करते हैं। पहली है रैपिड इमोशनल चेंजेस। देखिए, बॉडी में बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस होते हैं, रैपिड इमोशनल चेंजेस, तीव्र सांवेगिक परिवर्तन, तीव्र शारीरिक परिवर्तन भी हम इसको कह सकते हैं। ईगो सेंट्रिक, बच्चा ईगो सेंट्रिक यानी उसमें अहम की भावना का विकास होता है कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं या मैं इसमें कैपेबल हूं। हीरोइक नेचर, हीरो बनने की प्रवृत्ति होती है कि मैं नायक हूं, बाकी सब मेरे आगे कोई भी मैटर नहीं करते हैं। डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है डे ड्रीमिंग, जो कि एडोलसेंस की मानी जाती है। दिवा स्वप्न, दिन में ही सपने देखते हैं जो किशोर होते हैं।
एक्टिव ग्रुप स्पिरिट, जो ग्रुप स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। समूह भावना कैसी होती है, देखिए ग्रुप स्पिरिट किसमें आ जाती है, चाइल्डहुड में आ जाती है, लेकिन इसमें जो ग्रुप स्पिरिट होती है बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, यानी बच्चा सक्रिय रूप से अपने ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है। स्पिरिट ऑफ लिबर्टी एंड रिवोल्यूशन, इसमें बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, उसमें रिवोल्यूशन की भावना भी आ जाती है, यानी अगर उसकी स्वतंत्रता में कोई बिघन डालता है या फिर स्वतंत्रता उसको पूरी नहीं मिलती है तो वो रिवोल्यूशनरी हो जाता है, बगावत के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, चाहे समाज हो। रिलीजियस नेचर, ऐसे बच्चों में रिलीजियस प्रवृत्ति का जन्म होता है, धार्मिक प्रवृत्ति, धर्म भावना, भगवान, इन सब में इंटरेस्ट उसका हो जाता है। इंटीमेसी, इंटीमेसी होती है क्या होती है कि अंतरंगता, कि बच्चा ऐसे में किसी ना किसी से कोई ना कोई इंटीमेसी क्रिएट करना चाहता है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जिसमें बच्चा इंटीमेसी चाहता है। टेंशन, तनाव में वृद्धि, बच्चा तनाव में वृद्धि हो जाती है, टीनेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना शुरू कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट द्वंद होता है, बच्चा अपने आप से कई बार लड़ता है, कई बार उसके मन में बहुत सारी चीजें होती है जिनको लेकर दुविधा होती है, ये करूं ये ना करूं, यानी निर्णय ना लेने की स्थिति में वो होता है कि मैं अगर ये करता हूं तो ऐसे होगा और ये अगर नहीं करूं तो ठीक नहीं होगा, इस तरह वो सही और गलत के बीच में भी निर्णय नहीं ले पाता है जो कि मेंटल कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी उसको परामर्श और जो निर्देशन है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पेरेंट्स के सपोर्ट की, परामर्श की, निर्देशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस, बच्चे के अंदर सोशल सर्विस की भावना आती है, समाज सेवा की भावना। अब तक क्या था, देखिए सोशलाइजेशन प्रोसेस हुआ था चाइल्डहुड में, लेकिन अब जो है उसमें क्या है, समाज के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की भावना आती है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई भी गली मोहल्ले में कोई कैंपेन हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो वो उसमें, या कॉलेज में, स्कूल में, सराउंडिंग में, तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ऐसे में बच्चे इस अवस्था तक अपने करियर का चुनाव कर लेते हैं कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, क्या अपना फ्यूचर जो ऑक्यूपेशन है वो चुनना है, उसी हिसाब से वो अपनी स्टडी, अपना जो स्ट्रीम है वो डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इन, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में अगर बच्चे को उचित गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है, कोई अच्छा ट्रू फ्रेंड मिल जाता है, इंटीमेट मिल जाता है जो कि इसको सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके, तो बच्चे इसको आसानी से इसमें पॉजिटिव, बहुत कुछ पॉजिटिव कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जहां उचित मार्गदर्शन और निर्देशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अभाव में, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चे के अगर भटकने का डर रहता है, बच्चे को सही दिशा में गलत दिशा में भी चले जाते हैं, तो इस वजह से इस स्टेज को थोड़ी सी खतरनाक स्टेज हम कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर हमें बहुत ज्यादा बच्चे को ध्यान रखना, उसका एक मित्र मार्गदर्शक बनकर हमें उसके साथ रहना होता है, उसको सही तरीके से गाइड करना होता है, और कहीं ना कहीं हमें उसके ईगो को भी संतुष्ट करना पड़ता है कि बच्चे का ईगो हर्ट ना हो, उसकी भावनाएं हर्ट ना हो और वो सही और गलत में फर्क कर सके। तो अगर इस तरह से हम बच्चे को मैनेज करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, तो हम इस अवस्था से पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही अच्छे से निकल सकते हैं। तो एडोलसेंस थी, हम तीन अवस्थाओं का जिक्र कर चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं तीनों, दो तीनों के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किस तरह विकास होता है, किन किन चीजों से बच्चा गुजरता है, तो आप इस पूरी अवस्था को रिकैप्चुलाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करेंगे, जिसमें प्याजे, कोहलवा, इरिक्शन की मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आती हैं, वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे। इतने आप ये सारी चीजें एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए।